बिस्तान थाना पुलिस ने राजस्थान निवासी तीन आरोपियों से 4 देसी पिस्टल, 19 जिंदा कारतूस एवं 3 मोबाइल, नकदी 5,080 रुपए आरोपियों से जब्त किए। पुलिस ने मामले में धारा 2527 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया। मुखबिर की सूचना पर थाने के सामने घेराबंदी कर देवला से आ रही बस हबीब सुरर में बैठे आरोपी लक्की कश्यप पिता परमानंद कश्यप निवासी कोठरी भोई मोहल्ला कोटा, जिनके पास से एक पिस्टल एवं 6 राउंड मिले। दूसरे आरोपी सोहेल खान उर्फ मेजर खान पिता नियाजुद्दीन पठान निवासी कोटा के कब्जे से 2 देसी पिस्टल मय मैगजीन के 7 राउंड एवं तीसरे आरोपी कुलदीप उर्फ सोनू पिता बलजीत सिंह निवासी कोटा के कब्जे से मय मैगजीन के साथ 1 देसी पिस्टल 6 राउंड के साथ जब्त किए। पिस्टल बेचने वाला आरोपी जगन पिता अनार सिंह सिकलीगढ़ निवासी गाड़ी फरार हो गया। कार्रवाई में उप निरीक्षक पप्पू मौर्य, सहायक पंडित संतोष चौधरी, आरक्षक दुले सिंह आदि की सराहनीय भूमिका रही। बिस्तान थाना प्रभारी रमेश तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध 3 अलग अलग अपराध दर्ज कर क्रमांक धारा 2527 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। टीम भारती न्यूज। सर ये कल दिनांक 5/4 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम देवला से 3 व्यक्ति, एक लाल रंग की टी शर्ट पहना है, एक काले रंग की टी शर्ट पहना है और तीसरा सफ़ेद रंग का शर्ट पहना है, तीनों अवैध हथियार लेके सुरूर बस से जा रहे हैं। सूचना पर फोर्स और पंचायत की मदद से थाने के सामने रोड पर बस को रोका और इनको तीनों को तलाशी ली, जिनसे 4 पिस्टल और 19 कारतूस फुल जब्त किए गए। हथियार कहाँ लेके जा रहे थे सर, ऐसी कोई जानकारी है सामने? ये राजस्थान कोटा लेके जा रहे थे। क्या सुना गया था सर? रमेश तिवारी। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।